नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। रुक करते हैं फतेहपुर की खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के कार्यालय का जिला अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आने वाली रिजवानुद्दीन की खबर पर एक नजर। कार्यक्रम किए हैं जो सभी को एकत्रित करके यहाँ जो सरकार योजनाएं ला रही हैं, नई नई योजनाएं आ रही हैं, वो सब हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की मदद करना चाहते हैं और सब लोगों को। आज ये कार्यक्रम जो जागरूकता अभियान रखा गया है, इसका उद्घाटन हुआ है, सबके प्रमाण दिया गया है और सबका सम्मान किया गया है, सम्मानित करते हुए सबको प्रमाण दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जो चलाया है योजना, उनके सहित हम लोग अपना एक कार्यक्रम एक संगठन चला रहे हैं। संगठन का नाम प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान। महिलाओं के लिए ये लाया जाएगा क्योंकि यहाँ की महिलाएं अभी जागरूकता नहीं है, अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, तो हम लोग ये पूरी टीम बनाई गई है इसलिए कि हर जगह जन जन तक ये जागरूकता अभियान चले कि हर महिला आगे बढ़ने की कोशिश करें और आगे बढ़े, डर के न रहें। ये महिलाओं के लिए देखते हैं कि हर महिला जागरूक हो और हर घर में सब लोग अपना मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करें और हम लोगों को कोई भी योजना हो तो हम मतलब जन जन तक पहुँचाएँगे और हमसे संपर्क करें। जो कार्य न होता हो तो हम प्रधानमंत्री द्वारा हर कार्य करवाएंगे। राज्य सरकार को धन्यवाद देती हूँ जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा कार्य कर रही हूँ। क्या नाम है आपका?